नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। बीमा कंपनी का मैनेजर निकला कोरोना पॉजिटिव, एजेंटों को किया गया क्वारंटाइन। कवर्धा में बीमा कंपनी के मैनेजर ने मुश्किल बढ़ा दी है। बीमा कंपनी का मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कवर्धा तबादले के बाद मैनेजर ने एजेंटों की बैठक ली थी। अब तक जिले के 35 से ज्यादा एजेंटों को क्वारंटाइन किया गया है। सभी का सैंपल लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के 18 लाख राशन कार्ड किए जाएंगे निरस्त। राशन कार्ड को लेकर भूमिहीन कृषक मजदूरों के सर्वेक्षण में बड़ा खुलासा हुआ है। 18 लाख गरीबी रेखा कार्ड धारियों के पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, बावजूद इसके इन किसानों के गरीबी रेखा का राशन कार्ड बने हैं। नियमों के मुताबिक 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों को गरीबी रेखा कार्ड की पात्रता नहीं है। प्रशासन ने गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाने वालों का कार्ड निरस्त करने की तैयारी कर ली है। सैनिटाइजर पर लगने वाले जीएसटी में गड़बड़ी, बिलासपुर दुर्ग में दबिश, 25 से 30 लाख टैक्स चोरी का खुलासा। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने छत्तीसगढ़ की अलग अलग डिस्टिलरीज में दबिश दी। ये दबिश सैनिटाइजर पर लगने वाले जीएसटी की दर की जांच के लिए दी गई थी। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर स्थित दो अलग अलग डिस्टिलरीज वेलकम डिस्टिलरीज और भाटिया वाइन में शुरुआती जांच में 25 से 30 लाख रुपए की टैक्स की चोरी का खुलासा हुआ है, जबकि दुर्ग की दो अलग अलग डिस्टिलरीज में जांच अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी इंटेलिजेंस को ये खबर मिली थी कि कुछ जगहों पर सैनिटाइजर पर जीएसटी 18% की बजाय 12% चार्ज किया जा रहा है। 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 27,000 से ज्यादा केस मिले, 519 मरीजों ने तोड़ा दम, 5 लाख से अधिक हो चुके हैं रिकवर। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 27,114 कोरोना संक्रमित मिले हैं और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 8,20,916 हो गई है। इस दौरान 519 लोगों की मौत हो गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 22,123 हो गई है। अब तक 5,15,386 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,98,070 लोग रिकवर हुए हैं। एक्टिव केसों में 6,725 की वृद्धि हुई है। देश में अब कुल 283,407 एक्टिव केस हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, ट्वीट कर कहा असत्याग्रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में बने एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इस बाबत पीएम मोदी के दफ्तर पीएमओ के किए गए ट्वीट पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने एक शब्द के ट्वीट से पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है और लिखा है असत्याग्रही। कोरोना की वैक्सीन इस साल बनना संभव नहीं, संसदीय समिति को दी गई जानकारी। कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को उम्मीद है कि जल्द इसका टीका आएगा, जिससे इस महामारी से निजात मिल पाएगी। देश में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त से कोरोना का टीका उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन संसदीय समिति को दी गई एक जानकारी की माने तो 2021 से पहले कोरोना का टीका संभव नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति को अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। मुकेश अंबानी ने वॉरेन बफे को पीछे छोड़ा। दौलत के मामले में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने वॉरेन बफे को पछाड़ दिया है। बर्कशायर हैथवे के फाउंडर वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे बड़ा और सफल निवेशक माना जाता है। साल 2008 में बर्फ दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी बने थे और लंबे समय तक टॉप 3 दौलतमंद शख्सियत में शुमार थे। नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भारतीय सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। गैंगस्टर विकास दुबे पर बनेगी फिल्म, प्रोड्यूसर संदीप कपूर ने किया ऐलान। कानपुर बेस्ड गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया। नाटकीय ढंग से हुई दुबे की गिरफ्तारी और फिर एनकाउंटर के बाद बॉलीवुड को फिल्म की नई स्क्रिप्ट मिल गई। प्रोड्यूसर संदीप कुमार ने तो फिल्म का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने टाइटल तो नहीं बताया, लेकिन यह जरूर कहा है कि लीड रोल के लिए मनोज वाजपेयी को अप्रोच किया है और इस फिल्म का बजट 10 से 15 करोड़ रुपए तक जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस, बांद्रा पुलिस ने सलमान खान की एक्स मैनेजर रेशमा शेट्टी का बयान दर्ज किया।
बांद्रा पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में सेलिब्रिटी मैनेजर रेशमा शेट्टी का बयान दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ 5 घंटे तक चली। अब तक इस केस में 35 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि रेशमा शेट्टी लंबे वक्त तक सलमान खान की मैनेजर रह चुकी हैं। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।